आज पुणी 24 घंटे 3664 नुआ पॉजिटिव चिन्हट होती क्वारंटाइन 2127 होता बेले लोकाल केस 1537 सुंदरगढ़ सर्वाधिक 340 पॉजिटिव चिन्हट होती नुआपड़ 221 राज्य में मोट आक्रांत संख्या 368258 पहुंची यह आज आउ दुई मुंड नहीं कोरोना महामारी सेपटे जिभली भाव में खोर्धार सर्वाधिक जहाँ कोरोना आक्रांत चिन्हट 704 जहाँ सूचना रही तेज संपर्कित अधिक सूचना पे आम सहित भुवनेश्वर फोनलाइन जोड़ना प्रतिनिधि दिव्यज्योति महांती दिव्य आज सविशेष तथ्य सह आँ कर आवश्यक हो पड़ी कहीं प्रत्येक दिन जो भाई भाव में कोरोना आक्रांत संख्या बढ़ुची आज राज्य में 4000 मुहां दैनिक संक्रमण देखो विस्मय निश्चित भाव में जो क्या कहले जदि संपूर्ण तथ्य आम देवा चाहे राज्यवासी को जो मैंने अपेय करते बर्तमान कोरोनार सिचुएसन कौन अच्छे कोरोनार परिसंख्यान कौन बर्तमान सामना को आसूची आप देखिए राज्य में आज 4000 मुहां हूँ प्रथम थर पर दैनिक संक्रमण और जो थे देखिए गत 24 घंटा भितर 3664 जन संक्रमित चिन्हट होती तन्मध्य आप देखिए क्वारंटाइन केस रही 2127 लोकल कंटाक्ट केस रही 1537 ता भितर जदि सर्वाधिक आप देखिए सुंदरगढ़ आगु चिंता बढ़ाऊला वर्तमान खोर्धा जिला अधिक चिंता बढ़ाई खोर्धा जिले आज सर्वाधिक संक्रमित चिन्हट होती 704 संक्रमित केवल खोर्धा जिलूर चिन्हट होती भाई सुंदरगढ़ जिले 340 कलाहांडी 324 अंपटे नुआपड़ा और बरगड़ एटी 200 ऊपर रही संक्रमित संख्या और 5 जिले में संक्रमित संख्या 100 ऊपर रही 9 जिले में संक्रमित संख्या 50 ऊपर अच्छी यही 18 दिन भितर आप देखिए 18 दिन भितर जदि आम देखा अप्रैल 1 तारीख को देखा अप्रैल 1 तारीख में 300 संक्रमित चिन्हट होते 300 रु 340 भर संक्रमित चिन्हट होते कि आजिका दिन में 18 दिन पर जिते 4000 मुहां होती संक्रमण स्थिति और 3664 संक्रमित चिन्हट होती आपको मिसाइक राज्यर संक्रमित संख्या यही 18 दिन भितर 27242 संक्रमित चिन्हट होले सबुठ बड़ कथा आज राज्य में दुई नुआ मुंड नहीं कोरोना अर्थात दुई जन प्राणहानि घटी सुंदरगढ़ और बरगढ़ जिलार जन लेखा संक्रमित मृत्यु होती जहां को मिसाई मोट मृत्यु संख्या राज्यर 1944 पहुंची सबुठ गुरुत्वपूर्ण कथा आप जानते धीरे धीरे विभिन्न जिलार स्थिति संगीन होता आम गत कालीठू कहते जे विभिन्न जिलार स्थिति संगीन धीरे धीरे अनेक संक्रमित विभिन्न जिलार चिन्हट होती आज देखिए स्थिति राज्यर 7 जिला बर्तमान रेड जोन में रही गत काली 4 जिला रही बर्तमान नुआ 3 जिला एड होती जो थे आसूची खोर्धा सुंदरगढ़ नुआपड़ा कलाहांडी संबलपुर बरगढ़ कटक यही 7 जिला एवं रेड जोन को जाइए अनेपटे 5 जिला एवं येलो जोन रही सबुठ बड़ कथा विभिन्न जगार बर्तमान आईसीयू वेंटिलेटर ऑक्सीजन एसबू व्यवस्था कमी पर लगला बुला विमसार मेडिकल कथ देखु किसी कथ देखु कि एससीजे राज्यर विश्वस्तर सबुठ सर्वबृहत मेडिकल बोली राज्य सरकार कहते हैं विश्वस्तर करने सब योजना करना किसी कमी सामना को आसला विशेषकर ट्विन सिटी कटक भुवनेश्वर जो विभिन्न हस्पिटाल रही कोविड हस्पिटाल और घर सरकारी हस्पिटाल सेठी अनेक अव्यवस्थार सामना अनेक अव्यवस्थार कथा सामना को आसूची तो से दृष्टिकोण सरकार परिचालना प्रथम स्वास्थ्य क्षेत्र को देखा आवश्यक रही कारण लोक मैंने जो चिकित्सा हाँ जाऊँ मेडिकल उपर अधिक भरोसा विश्वास रही बेड कि बढ़ा किक्सीजेन स्थान पाइपर किटर आईसीयू और सहित आंबुलांस व्यवस्था यह सब दिग्क अधिक त्वरावित करा पड़ो कारण सरकार जदि ये लॉकडाउन सटडाउन भितर रोचे और संक्रमण ब्रेक चेन सरकार चिंता कर संक्रमण मुकबिला भित्तिमि व्यवस्था करा पड़ो कारण जो मैंने संक्रमित होती चिकित्सा जोगा देवा प्रथम प्रायोरीटी हम सरकार जदि संक्रमित मैंने चिकित्सा भल न पाइबे आम ब्रेक चेन कर ब्रेक चेन को ब्रेक कर किसी लाभ ना तो जो मैंने संक्रमित होते चिकित्सा जोगा देवा सरकार प्रायोरीटी हम और यह सब क्षेत्र को अधिक ध्यान देवा बर्तमान सरकार पक्षे गुरुत्वपूर्ण रही विशेषकर जो सरकार देखिए आप 70 रु अधिक आईएएस अधिकारी को विभिन्न जिलार दायित्व देते तन्मध्य खोर्धा जिलार आईएएस अधिकारी जी रही वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अनुगर सहित जन कनिष्ठ आईएएस अधिकारी को दायित्व दिखाई तेज देखा बाकी रही खोर्धा जिला सरकार कौन ब्लू प्रिंट प्रस्तुत करद गोटे दिन तले मुख्य शासन सचिव ब्लू गोटे प्रकार बैठक डकते समस्त अधिकारी मैंने उपस्थित थे बीएमसी कमिशनर उपस्थित थे जो समीक्षा समय कहुता है भुवनेश्वर विभिन्न मेडिकल बेड बढ़ा जाऊ
ସେଠି ଅକ୍ସିଜେନ୍, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଏବଂ ଆଇସିୟୁର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ମଧ୍ୟ ସୁବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଉ, ତେବେ ଏହା ଭିତରେ ସ୍ଥିତି ସୁଧାର ଆସିନି। ଯଦିଓ ଗୋଟେ ଦିନ ବିତି ଯାଇଛି, ତାପରେ ବି କେଉଁ ନା କେଉଁଠି ସ୍ଥିତି ସୁଧାର ଆସିନି। ବିଭିନ୍ନ ରୋଗୀଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି ଯେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ମିଳିପାରୁନାହିଁ। ତ ସେ ଦିଗରେ ସରକାର ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଏବଂ ତା ସହିତ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟରେ ଗତକାଲିଠୁ ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ ଏବଂ ସପ୍ତାହ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ବିଶେଷ କରି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଯୋଉ 7 ଜିଲ୍ଲା, ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର 3 ଜିଲ୍ଲା, ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଛତିଶଗଡ଼ ସୀମାନ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ହିସାବରେ ଗଣତି ହେଉଛନ୍ତି, ସେଠି ସପ୍ତାହାନ୍ତ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ରହିଛି ଏବଂ ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁକୁ ମଧ୍ୟ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। ସନ୍ଧ୍ୟା 6ରୁ ସକାଳ 5 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଠି ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ ଜାରି ରହୁଛି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବି ବାହାରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସେବା ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଅନୁମତି ମିଳିବ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥା କି ଅନ୍ୟ ଯୋଉଠି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆଇ କାର୍ଡ ଦେଖାଇ ଯାଞ୍ଚ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି ଘରେ ରହିବା ପାଇଁ। ଏହାକୁ ସବୁଠୁ ବଡ ଚିନ୍ତାଜନକ ବିଷୟ ହେଉଛି, ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆମେରିକାର ଯୋଉ ଗୋଟିଏ ରିସର୍ଚ୍ଚ ସଂସ୍ଥା ଯେଉଁ ଆକଳନ କରିଛି ଯେ ବାୟୁରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କରୋନା ଭାଇରସ ବ୍ୟାପୁଛି। ତ ସେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସଚେତନ କରାଉଛନ୍ତି, ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ନଥିଲେ ଆପଣ ଘରୁ ବାହାରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ଘରୁ ବାହାରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସଂକ୍ରମିତ ହେବାର ଅଧିକ ଚାନ୍ସେସ୍ ରହିଛି। ସେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଯେତେବେଳେ ଘରୁ ବାହାରୁଛନ୍ତି ମାସ୍କ ନିହାତି ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଡବଲ ମାସ୍କ ହେଉଛି ପ୍ରାୟୋରିଟି। ଯଦି ଆପଣ ଡବଲ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଭଲ କଥା, ଏଇ ଯୋଉ ସିଙ୍ଗିଲ କପଡ଼ା ମାସ୍କ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ କାମ ଦେଉନି। ତ ସେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଲୋକମାନେ ଅଧିକ ସଚେତନ ହେବେ ଏବଂ କିଭଳି ଅମାନିଆ ନ ହେବେ ତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ନିଜେ ନିଜର ସମାଜ ପ୍ରତି ଦାୟିତ୍ୱକୁ ନିର୍ବାହ କରନ୍ତୁ। ନିହାତି ଭାବରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସଂକ୍ରମଣ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ୁଛି, କେଉଁଠି କେଉଁଠି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତା ବଢ଼ୁଛି ଦିବ୍ୟ, କାହିଁକି ନା ରାଜ୍ୟରେ ଆଜି 4000 ମୁହାଁ ହେଉଛି ଦୈନିକ ସଂକ୍ରମଣ, ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକା ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆଜି ଦେଖିବା କି 704 ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ହେଉଛନ୍ତି, ତ୍ୱରିତ ପଦକ୍ଷେପ ମଧ୍ୟ ନେଉଛନ୍ତି ସରକାର, ତ୍ୱରିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟ ନିଆଯାଉଛି, ତଥାପି ଆକ୍ରାନ୍ତ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିବ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ।